नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे। तो ये मूंग दाल का चीला है, पर इसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, बहुत ही हेल्दी है। तो इसमें हम टोफू की भुर्जी डालेंगे और बहुत क्विक रेसिपी है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। तो ये बनाते हैं इस बहुत प्रोटीन से भरी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी को। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखा है। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में भिगो सकते हैं या ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। ये बिना छिलके की दाल है, तो इसे हमें अब पीसना है। थोड़े से पानी की हेल्प से आप इसका बैटर तैयार कीजिए। उसमें हमें अदरक हरी मिर्च कुछ नहीं डालना, बिल्कुल सिंपल वे में बनाना है इसे हमें। तो देखिए, बैटर मैंने बना लिया है। और इसको येल्लो कलर देने के लिए, ताकि मूंग दाल का लगे, इसमें हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा नमक और थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च, बस इतने ही मसाले डालेंगे। तो इसे हम मिला करके देखिए बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर की थिकनेस आपको दिख रही है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना पतली है, इस तरह का बैटर बना के इसे हम रख लेंगे। तो देखिए, स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये टोफू लिया है। टोफू को मैंने कद्दूकस में कस लिया है। आप पनीर भी ले सकते हैं और इसे बारीक भी काट सकते हैं। एक कटोरी स्लाइस किया हुआ प्याज है और आधी कटोरी टमाटर है। ज़्यादा कोई सब्जियाँ नहीं लेनी है इसमें हमें। और ये स्टफिंग सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें जीरा डालिए। जैसे ही जीरा तड़कता है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। थोड़ा फ्लेम को हाई रखें। यहाँ स्टर फ्राई की तरह हमें फटाफट प्याज को हल्का ब्राउन करना है, ताकि उसकी बाइट रहे, सॉफ्ट ना हो ज़्यादा। और सिर्फ 1 मिनट प्याज को चलाकर इसमें हम टमाटर डाल देंगे। और टमाटर को भी सिर्फ हम 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। और देखिए, सिर्फ 2 मिनट में यह तैयार है मसाला। इसमें हम टोफू की जो हमने कद्दूकस किया है वो डाल देंगे। और इसमें मसाले में हम बहुत हल्का मसाला, काली मिर्च, नमक और थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा हमने टमाटो सॉस डाला है और थोड़ा रेड चिली सॉस डालेंगे। और देखिए, अब स्टफिंग हमारी तैयार है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट में स्टफिंग रेडी हो गई है और प्रोटीन से भरी हुई है। तो इसके लिए देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एक नॉनस्टिक तवा लेना है। उस पर थोड़ा घी ऑयल डालिए और उसको इस तरह से ब्रश कर लीजिए और तवा गरम कर लीजिए अच्छे से। और इस पर हम देखिए एक स्पून से ये डालेंगे अपना बैटर। और इस तरह से थोड़ा धीरे करते हुए आप बनाइए, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप फटाफट बना लेंगे। तो ये बहुत मोटा भी नहीं करना है और बहुत पतला भी नहीं। और इस तरह से बैटर को फैला के हम चीला बनाएंगे। जल्दी ही कुक हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और इसको हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी थोड़ा ऑयल या घी लगा देंगे। उसके बाद आप खुद देखिए, आपको ज़्यादा कड़क चाहिए या सॉफ्ट चाहिए, उस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे कुक करके। बहुत कड़क ना करें, थोड़े सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं ये। तो ये देखिए, दोनों तरफ से कुक करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब इसमें हम स्टफिंग रखेंगे। ये भी आप अपने टेस्ट से डालें, आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो देखिए, एक स्पून की हेल्प से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और आप चाहें तो फोल्ड करने के बाद थोड़ा और इसे कड़क कर सकते हैं। तो ये हमारा मूंग दाल का चीला देखिए रेडी है। तो इसे इस तरह से काट के सर्व कीजिए। इसमें टोफू है, मूंग दाल है, बहुत सारा प्रोटीन है इस ब्रेकफास्ट में, ज़्यादा ऑयल नहीं है, फटाफट तैयार होता है और बहुत टेस्टी लगता है। सॉस या अपने पसंद की चटनी के साथ सर्व कीजिए।